सुडुप सुडुप के मैगी खाई। तो इसमें से मैं क्या चूज करूँ यार? पहले भी करा है मैंने ऐसे। तमता बड़े है ड्राइवर भाई। Hey guys, this is Srishti. Welcome back to my channel. और अगर आपने Games of Thrones देखा है तो हम उसी की तरह करने वाले हैं आज Game of Choices Food Edition. और इसमें मुझे basically choices दी जाएंगी. जैसे आपको restaurant में आपके पास choices होती हैं इतनी सारी, आप choose नहीं कर पाते भाई क्या order करें क्या ना करें, क्योंकि इतने सारी varieties होती हैं. तो ऐसे ही इस दुविधा में आज मैं पढ़ने वाली हूँ और मेरे दोस्तों ने मेरे लिए कुछ ना कुछ choices select करी हैं और उसके अंदर जो मैं choose करूँगी ना कुछ consequence भी होगा. मतलब कुछ ना कुछ choice करना ना मुझ पर आज भारी पड़ने वाला है. और आपको पता ही है दोस्तों का दिमाग कैसा ही होता है, डुबा के ही रहेंगे आपको, है ना. तो इसी के साथ हम अपनी फर्स्ट चीज़ अभी मुझे देने वाले हैं, देखते हैं वो क्या है और हम क्या चूज़ करेंगे और क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा. बट वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक बटन को ठोक देना, सब्सक्राइब का जो लाल बटन दिख रहा है ना उसको दबा देना. इसी के साथ हम अपनी गाड़ी आगे चालू करेंगे तो देखते हैं हमारा फर्स्ट चॉइस क्या आता है. नाचोस एंड फ्राइज. बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑप्शन है क्योंकि मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, बट आज मेरा थोड़ा ना फ्राइज़ खाने का मन कर रहा है तो हम फ्राइज़ लेंगे. तो ये वाला नहीं, देखते क्या है इसमें. ईटिंग विदाउट हैंड्स, मुझे फ्राइज़ को अपने हाथों का सहारा नहीं लेना है. ऐसे भी कोरोना का टाइम है, हाथ से ना ही खाओ तो सही है, बट अब पता नहीं क्या होने वाला है. इसमें क्या है? ईट विदाउट हैंड्स एंड लिक द साल्सा. ये है नाचोस का. तो आज कते ही मुझे डुबाने वाले हैं ये. तो देखते हैं, अब फ्राइज खाने चलते हैं हम सीधा. बैठे हैं बेल्जियन फ्राइज एंड कंपनी में जो कि है SDM मार्केट IIT में. और मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने मुझे जान के ये ऑप्शन दिया है क्योंकि हम आसपास में ही थे तो उन्होंने सोचा कि यही दे देते हैं, पास में इजीली मिल भी जाएगा तो थोड़ा बहुत तो अच्छा सोचा ही मेरे लिए. तो हमने ऑर्डर करी है बटर पनीर फ्राइज और वो एकदम लोडेड होने वाली है. मुझे नहीं पता वो कैसे खतरनाक तरीके से मैं खाने वाली हूँ. तो अगर आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहें. तो गाइज़ मेरे फ्राइज़ आ गए हैं और हमने लोडेड फ्राइज़ लिए हैं. तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं कैसे खाने वाली हूँ और मेरा हालत ख़राब होने वाली है. बट अपना राक्षस रूप आगे लाते हुए हम इसे खाने वाले हैं. सो स्टार्ट करें. थोड़ा सा रेडी होना पड़ता है. मेरी हालत देखो क्या हो गई है, क्या पोपट बना दिया उन्होंने मेरा आते ही. और मैं 10-12 फ्राइज ऑलरेडी खा चुकी थी तो इसने मुझे बोला कि भाई रुक जाओ, अब तो खाएंगे ऐसे आराम से. और अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या खाने वाला है. अच्छा हुआ यहाँ पर मिरर है, मैं अपनी हालत सुधार सकती हूँ. बाहर होती रोड पे ऐसे कर रही होती, बाप रे लोग पागल समझते लिटरली मुझे. तो मैंने अपने आप को फाइनली रिफ्रेश कर लिया है जो मेरी इतनी बुरी हालत हुई है ना अभी. सो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या आने वाली है. ये क्या शगन का लिफाफा दिया है मेरे को, बाप ब्रेन का दिमाग. तो अब नेक्स्ट क्या चूज करना है? पिज्जा और बर्गर की चिट्स निकालो. भाई अगड़म तगड़म चीज़ें लिखी हुई हैं. तो नेक्स्ट गेम ऑफ चॉइस है हमारा पिज़्ज़ा और बर्गर में. और दोनों ही बहुत मुश्किल है मेरे लिए चूज़ करना क्योंकि मुझे दोनों ही बहुत पसंद है.
बट फ्राइज से थोड़ा पेट भर गया है और पिज्जा खाने लगी ना भाई, पेट मेरा एकदम फुल हो जाएगा, तो हम बर्गर ही चूज करते हैं। हम यहाँ पे बैठे भी हुए हैं और यहाँ पे अच्छे बर्गर भी मिलते हैं, हैंड क्राफ्टेड बर्गर हैं, तो मैं सोच रही हूँ यहीं से ले लेती हूँ। बट असली लोचा तो ये है ना कि खाना कैसे है। सो आई हैव टू टॉक विद बर्गर स्टफ्ड इन माई माउथ। मुझे पूरा बर्गर भर के, पूरा तो नहीं भर पाऊंगी, मतलब जितना मेरे मुंह में भरेगा, फिर मुझे आपसे साथ साथ में बात करनी है। बाप रे, पिज्जा में भी देख लेते हैं, क्या पता पिज्जा इससे बुरा हो। ईट स्पाइसी, रियली स्पाइसी पिज्जा, तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना ये है। बाप रे, अब क्या होगा। तो हम अपना बर्गर ऑर्डर करते हैं, फिर आपसे बर्गर ठूस के बात करते हैं। तो हमारा बर्गर आ गया है, बट मुझे इसे नॉर्मल तरीके से नहीं खाना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी सही तो हो नहीं सकता, तो मुझे इसको स्टफ़ करके खाना है। अभी तो आप मेरी आवाज़ ढंग से सुन लो, क्योंकि इसके बाद गैस द जिबरिश होने वाला है। तो अब मैं स्टफ़ करती हूँ इसके अपने माउथ में। मेरा कहने का तात्पर्य था, जो मैंने इतनी बकवास करी ना, बर्गर था वो बहुत बहुत टेस्टी था यार। वो मोल्टन चीज़ पैटी के अंदर इतना सारा चीज़ भरा हुआ था और इतना इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ आपको, मज़ा आ गया था। और मुझसे इन्होंने पूछा था कि अपने स्कूल का नाम बता, जो यहीं पास में ही था, सेंट डैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैंने बोला था। तो इतना कुछ यार मुँह में इतना कुछ भरा हुआ था ना, कुछ बोला नहीं जा रहा था लिटरली, बट मज़ा बहुत आया। आई होप आपको देख के भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो पे लाइक ज़रूर ठोक देना। तो अब नेक्स्ट क्या लेना है? सूजी का गोलगप्पा और आटे का गोलगप्पा। इसमें तो मेरे को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, सूजी का गोलगप्पा ओपी, क्योंकि आटे का गोलगप्पा बहुत ही बकवास लगता है मुझे। आपको कौन सा पसंद है, सूजी या आटा? तो मैं तो सूजी वाले लेने वाली हूँ विदाउट एनी सेकेंड थाट। बट पोपट ही होने वाला है, खाना कैसे है भाई, सूजी एंड आटा, सूजी गोलगप्पा एंड आटा गोलगप्पा, विदाउट एनी सेकेंड थाट आई एम गोइंग विद सूजी का गोलगप्पा। ईट इट विदाउट वाटर एंड रेड चटनी, तो बोल देते ना पापड़ी खानी है, ईट विद वाटर ओनली, तो ये तो मैं खा ही नहीं रही। और इसमें मुझे सिर्फ यार गोलगप्पा खाना है खाली, यार ये कैसा है, मतलब हद है। नहीं नहीं नहीं, छोले डल जाएंगे, चलते हैं। एक गोलगप्पे की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू, गोलगप्पे को पानी और चटनी के बिना खाना है भाई। यही सुन के मुझे इतना बड़ा हार्ट अटैक आ रहा है ना, क्या करूं, खाना तो पड़ेगा। बट अपन है डेढ़ शाने, तो हम वो दोनों तो नहीं हटवा, वो दोनों तो हटवा देंगे, बट हम उसमें छोले और दही तो डलवाएंगे। तो मैं वैसे खाने वाले गोलगप्पे, क्योंकि मैं इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। कि मुझे गोलगप्पे में पानी और रेड चटनी नहीं डलवानी, तो आप मुझे जो गोलगप्पा दोगे ना, उसमें सिर्फ दही और वो डालना छोले। पहला गोलगप्पा फूट गया भैया, लाल चटनी नहीं डालनी थी, ये वाला नहीं खा पाऊंगी मैं, तू ही खा। लाल चटनी मत डालना और भैया पानी भी मत डालना, सिर्फ दही और वो। मीठा मीठा तो दही अच्छा लग रहा है।
वैसे भी बहुत अच्छे लग रहे थे गोलगप्पे। दही में ना थोड़ा सा मीठा था तो शायद इसलिए खा पाई मैं। बहुत मस्त लग रहा था ऐसे भी तो तुम लोग हार गए। मेरे को तो बड़ा मजा आया खा के भाई, मजा आया। तो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या खाने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्या लेना है? मोमो और मैगी। मोमो और मैगी, तो इसमें से मैं क्या चूज़ करूँ यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों ही मुझे काफ़ी पसंद है, बट हर वीडियो में मोमोज तो हो गए हैं तो मैं सोच रही हूँ मैगी ही खाते हैं यार। अब कल रात भी बड़ा मैगी खाने का मन कर रहा था मेरा, बट मैंने सोचा नहीं, डाइट जिंदाबाद, तो मैंने खीरा और टमाटर वाला सैंडविच खाया था। वैसे मोमो खाने का बहुत मन भी कर रहा है, बट आई विल नॉट रूइन माई डाइट। बहुत अच्छी डाइट चल रही है। अभी मैंने चीज़ वाला पिज़्ज़ा खाया था, ओह चीज़ वाला बर्गर खाया था, उसके बाद मैंने फ्राइज़ खाई थी, मैंने गोलगप्पे खाए थे। तो भाई इन शॉर्ट ये पता चलता है कि मैं कभी पतली नहीं होने वाली। तो मैगी मोमो, तो मैंने मैगी चूज करा है। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह। हे चल सुडूब सुडूब के मैगी खाई, सुनी नहीं क्या कभी ऐड? ईट इट बट डोंट च्यू, जस्ट स्वॉलो। तो यार ये क्या मुश्किल था। ए गोगे स्टफ मोमो विद रेड चटनी एंड ईट। अच्छा हुआ ये नहीं लिया क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि ठंडा मोमो स्टफ़ करने में इतना मज़ा नहीं आता। तो हम मैगी खाएंगे, हमें उसको च्यू नहीं करना, हमें उसे सिर्फ स्वॉलो करना है, विच इज़ वेरी इजी। उसको बस सुडूप सुडूप करके खाना है। मैगी के एड में जैसे बोलते हैं सुडूप सुडूप के मैगी खाई, तो मैगी खाने चलते हैं हम सीधा। तो गाइज हमें एक छोटू सा क्यूट सा आउटलेट मिला और ये है सुपर चाय का। ये देखो, मैं सोचा यार फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मैं चाय भी ट्राई करती हूँ। सो मैंने ली है हॉट गार्लिक मैगी। तो मैंने उसको अपना जो चैलेंज इसने मुझे दिया है ना कि सुडूप सुडूप करके खानी है, तो मैंने उसे थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल कर दिया है, मैंने उसको थोड़ा सा स्पाइसी कर दिया है। और साथ में मैंने ली है ये कोल्ड कॉफ़ी भी, तो हमने थोड़ी सी टेस्ट करी थी, बड़ी अच्छी थी। तो चैलेंज वॉज कि मुझे इसे सिर्फ स्वॉलो करके खाना है, मुझे इसको च्यू नहीं करना बिल्कुल भी, तो मैं सीधा मैगी खाती हूँ। गाइस अभी थोड़ी सी गर्म है पर मैं ट्राई करती हूँ एक बारी। कर लिया, आप ऐसे मत खाना यार, च्यू करना ज़रूरी है। दिस इज़ मी खतरों के खिलाड़ी। मैगी बहुत स्वाद है पर यार पहले भी करा है मैंने ऐसे। तमता बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। और स्पाइसी, मतलब ना स्पाइसी है हॉट एंड गार्लिक, तो मुंह में थोड़ा स्पाइसी सा लग रहा है, पर मैगी बहुत स्वाद है और इतना भी मुश्किल नहीं था, सही था। तो हम इसे ख़त्म करते हैं। हमारी लास्ट चीज़ बच रही है, तो ये सब तो अभी तक ठीक था, बट ये लोग ना, इन लोगों ने मुझे बोला है कि जो लास्ट चीज़ है वो सबसे ख़तरनाक होने वाली है, एंड जो है ना एकदम धमाकेदार होने वाला है। तो देखते रहिए, मेरी बैंड बजने वाली है और आपको मज़ा आने वाला है। तो लास्ट ऑप्शन इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि गुलाब जामुन या रसगुल्ले में से चूज़ करना है, बट मुझे उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं पता, वो मैं आपके सामने ही अभी दिखाऊंगी। चिट्स निकाल लेती हूँ पहले। और मुझे ये भी बोला था यार वो बहुत घटिया होने वाला है, बट लगता है गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ले से विश्वास उठवाएंगे ये मेरा। ये रहा रसगुल्ला, ये रहा गुलाब जामुन। कोई शादी में तो बुला नहीं रहा, तो सगन का लिफाफे का ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन्होंने मुझे बोला है कि मुझे भी कॉन्सिक्वेंस नहीं पड़ना, डायरेक्ट कैमरा में दिखाना है। तो गुलाब जामुन का देख लो। वैसे मैं चूज़ कर रही हूँ रसगुल्ला, क्योंकि मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है और मैं उससे विश्वास नहीं उठाना चाहती अपना। गुलाब जामुन क्या है? डिप इट इन गोलगप्पा वाटर एंड ईट। तो गुलाब जामुन तो हो गया, अब है हमारी रसगुल्ले की चिट। मैं भी नहीं देखूंगी, पहले आपको दिखाऊंगी डायरेक्ट कैमरा में। सोक रसगुल्ला इन कोका कोला एंड ईट विदाउट हैंड्स।
चलो खाते हैं, वैसे तो बकवास होने वाला है बट कोई बात नहीं। तो गाइज मैं अपने रसगुल्ले ले आई हूँ मोती स्वीट से और साथ में ले आई हूँ अपने कोका कोला और इसका बेड़ा गरक होने वाला है। तो मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए लिए ताकि अगर बाय चांस मेरा मूड ख़राब हो जाए तो एक मेरा मूड ठीक करने के लिए होना चाहिए ना, क्योंकि टेस्ट की तो बैंड बनने वाली है। गाइज इसमें कोका कोला डाले जा रही है। ये देख के बहुत बुरा सा लग रहा है और आसपास में हम मार्केट एरिया में और आसपास वाले लोग जो जा रहे हैं ना सोच रहे होंगे कितनी बेवकूफ़ लड़की है ये। यक्सी फीलिंग आ रही है, एक गुड़ रसगुल्ला लग रहा है ये लिटरली। थोड़ा सा सोक करने दे, थोड़ी देर मैंने साइड में रख लिया था ताकि ये सोक कर ले और अब मैं अपना पेट ख़राब करने वाली हूँ खतरों के खिलाड़ी। बहुत अजीब सा लग रहा है मेरे को। कोका कोला का टेस्ट आ रहा है साथ में चाशनी के, बट बहुत बुरा भी नहीं लग रहा, थैंक गॉड। स्टार्टिंग में एकदम वियर्ड सा टेस्ट आ रहा है पर बाद में जाके ठीक हो रहा है। अच्छा तो नहीं था बिल्कुल भी और मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी आपको ट्राई करने के लिए। थैंक गॉड एक्स्ट्रा ले लिया था अपना टेस्ट थोड़ा ठीक करने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आज हम शूट कर रहे हैं, ये वीडियो जाएगी अप्रैल फूल्स के दिन और लिटरली मेरा अप्रैल फूल बना दिया इन्होंने, आज 1st अप्रैल है। तो नेक्स्ट अगले दिन मेरा बर्थडे भी है 2nd अप्रैल और मैं भी एकदम फूल ही हूँ जिस तरीके से मेरा पोपट पे पोपट बनाए जा रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी देन लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी स्टे फूडी एंड बाय।